हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रेडमी 12C फ़ोन में आप लोग कैसे रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हो और उसी डाउनलोड किए हुए रिंगटोन्स को आप लोग सेट कर सकते हो। तो अगर आपके पास एक रेडमी 12C फ़ोन है और आप लोगों को जो है रिंगटोन्स को अपने हिसाब से डाउनलोड करना है, जैसा आप लोगों को पसंद है रिंगटोन उसके हिसाब से डाउनलोड करना है और उसको जो है सेट करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को अपने फ़ोन को नेट से कनेक्ट कर लेना, जैसे कि आप लोग मोबाइल डाटा को भी यूज़ कर सकते हो और वाईफाई को भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है गाइस, आप लोगों को सिंपली यहाँ पर से गूगल को ऑन कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गूगल को ऑन कर लिया है। गूगल को ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर के साइड में एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोगों क्या करना है गाइस, इस सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर कीबोर्ड आ जाएगा, कीबोर्ड पर आप लोगों को सर्च करना है गाइस प्रो केरला। मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा देता हूँ गाइस पहले, तभी जो है आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है प्रो केरला रिंगटोन, देख सकते हैं आप लोग। आप लोगों को भी यही स्पेलिंग आप लोगों के फ़ोन में डालना है गाइस, आप लोग अच्छे से देख के डाल लीजिए। डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ एक सर्च का बटन देखने को मिल जाएगा, तो इस सर्च के बटन पर जो है आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो पहला वाला वेबसाइट है गाइस वही है प्रो केरला डाउनलोड फ्री MP3 रिंगटोन्स फॉर मोबाइल, ठीक है गाइस। तो इसी वेबसाइट पे जो है आप लोगों को जाना होगा। जाने के लिए आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट जो है ऑन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ऑन होने में, तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो देख सकते हैं खुल गया है, कभी कभी टाइम लगता है कभी कभी जल्दी खुल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे रिंगटोन मिलेंगे, लोड भी कर सकते हो उन रिंगटोन को बहुत सारे, ठीक है। इस नीचे आप लोग लोड मोर पे क्लिक करके आप लोग बहुत सारे रिंगटोन यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पर सर्च ओवर 53,089 रिंगटोन्स। यहाँ पर आप लोगों को 53,089 रिंगटोन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर से आप लोग सर्च करके भी निकाल सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरीज भी देखने को मिलेगा आप लोगों को, जैसे कि हिंदी रिंगटोन्स, नेम रिंगटोन, आईफोन रिंगटोन्स, म्यूजिक रिंगटोन्स, अपलोड रिंगटोन्स, डेवोशनल रिंगटोन्स, उसके बाद बेबी रिंगटोन्स और तमिल रिंगटोन्स, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर से आप लोग कैटेगरीज़ को चूज़ करके रिंगटोन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं किसी भी एक कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आईफोन रिंगटोन्स में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखते गए सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ रिंगटोन जो है यहाँ पर शो हो गए हैं, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को यहाँ पर से आप लोगों को जो भी रिंगटोन चाहिए आप लोग सिंपली उस रिंगटोन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का जो है ये रिंगटोन ओपन हो जाएगा गाइस। ओपन होने के बाद आप लोग यहाँ पर से इसको प्ले भी कर सकते हो, देख सकते प्ले का बटन है। अगर मैं इस प्ले के बटन पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर ये रिंगटोन प्ले भी हो जाएगा। मैं साउंड बढ़ा के दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो सुना आप लोगों ने, ऐसा करके आप लोग प्ले भी कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर एक डाउनलोड का भी ऑप्शन है। अगर हम इस डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और देख सकते हैं डाउनलोड MP3 में क्लिक करना है आप लोगों को, तो MP3 में हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर देखते गाइस क्या होता है और कुछ ऑप्शन आता है, तो देख सकते यहाँ पर फुल स्क्रीन में आ गया है वो म्यूज़िक। तो यहाँ पर देख सकते 3 डॉट का ऑप्शन है, 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे और पहला वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड का, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा देख सकते डाउनलोड फाइल हो गया है, हमारा जो रिंगटोन है वो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते डाउनलोड हो भी गया है, तो अभी हम सीधा बैक कर देंगे इसको। बैक करने के बाद इसको सेट कैसे करेंगे, सेट करने के लिए यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस साउंड एंड वाइब्रेशन का, देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एकदम ऊपर वाला ऑप्शन देख सकते हैं रिंगटोन का, तो आप लोगों को सिंपली इस रिंगटोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सूस लोकल रिंगटोन्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं फाइल मैनेजर लिखा हुआ है, तो फाइल मैनेजर पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही देख सकते हैं ये वाला रिंगटोन हमने डाउनलोड किया था, तो हम इस पर सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे ओके का ऑप्शन है, ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा जो रिंगटोन है वो अभी भी सेट नहीं हुआ है गाइस, ठीक है। तो सेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, फिर से यहाँ पर चूज लोकल रिंगटोन में जाना होगा, उसके बाद फिर से फाइल मैनेजर में जाना होगा, उस रिंगटोन को सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर वो जो रिंगटोन है वो शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं साइड में एक अप्लाई का बटन है, हम अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है गाइस। अभी जो है आप लोगों का रिंगटोन अप्लाई हुआ है, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को दो बार ट्राई करना है, अभी अप्लाई हो गया आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रेडमी 12C फ़ोन में रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हो और उसको सेट भी कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।